गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर क्लास 7 जीके चैप्टर डेयरिंग रिवोल्यूशनरीज। डेयरिंग रिवोल्यूशनरीज यानी कि साहसी क्रांतिकारी। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज यासिर अराफात। यासिर अराफात कौन थे? ही वाज अ पैलेस्टाइनियन लीडर हु लेड द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO फ्रॉम 1969 टिल हिज डेथ इन 2004। वो एक फिलिस्तीनी नेता थे जिन्होंने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का नेतृत्व किया 1969 से लेकर 2004 तक उनकी मृत्यु तक। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज साइमन बोलीवर। साइमन बोलीवर कौन थे? He was a South American soldier and statesman. वो एक साउथ अमेरिकी सैनिक और राजनेता थे। He led the revolutionary revolutions against the Spanish rule in New Granada, now Colombia, Venezuela, Panama and Ecuador, Peru and Upper Peru, now Bolivia. वो एक दक्षिण अमेरिकी सैनिक थे, सैनिक और राजनेता थे। उन्होंने न्यू ग्रेनेडा, जो कि अब कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा और इक्वेडर है, पेरू और ऊपरी पेरू जो कि अब बोलेविया है, में स्पेनिश शासन के खिलाफ क्रांतियों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो कौन थे? ही वाज अ क्यूबन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिशियन हु गवर्न द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1959 टू 1976 एंड देन एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1976 टू 2008। ही डाइड ऑन 25 नवंबर 2016। वह क्यूबा के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और राजनेता थे जिन्होंने 1959 से लेकर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया और फिर 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति के रूप में। 25 नवंबर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई। हु वाज ची गेवेरा। ही वाज एन अर्जेंटीना बॉर्न रिवोल्यूशनरीज एंड द लीडर ऑफ द क्यूबन एंड इंटरनेशनल लिस्ट गिरिलाज। इन 1967 डायरेक्टिंग एन इनफेक्टिव गिरिला मूवमेंट इन बोलेविया ही वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय अ गवर्नमेंट ट्रूप। वो अर्जेंटीना में जन्मे क्रांतिकारी थे और क्यूबा के नेता और अंतर्राष्ट्रीय नेता गिरिला आंदोलन के निर्देशन करते हुए उन्हें सरकारी सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर जूनियर कौन थे? ही वाज अ ग्रेट मैन हु वर्क फॉर रेशियल इक्वलिटी इन द USA। ऑन 14 अक्टूबर 1964 ही रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। वह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय समानता के लिए काम किया था। 14 अक्टूबर 1964 को उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। थैंक यू, होप यू विल रिमेंबर दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। आई विल कम अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।